हे गाइस, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज मैं इस वीडियो में बात करने वाली हूँ कोलगेट के बारे में। कोलगेट तो सभी घरों में मिलता है। आप सोच रहे होंगे ऐसा क्या बात करने वाली हूँ मैं। तो दिस इज अ न्यू रेंज फ्रॉम कोलगेट जो कि विजिबल वाइट की है, ऑक्सीजनेटेड वाइटनिंग। तो दिस इज समथिंग न्यू। मैं इनकी ब्रशेस के भी बारे में बात करने वाली हूँ। नई ब्रशेज आई हैं, दीज आर अमेजिंग। तो अभी बात करते हैं, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। मैं स्टार्ट करना चाहती हूँ इनकी पेस्ट की रेंज के बारे में। तो पेस्ट मेरे पास दो हैं, एक है एरोमेटिक मिंट फ्लेवर में, एक है पेपरमिंट स्पार्कल फ्लेवर में। तो चलिए देखते हैं कैसा दिखता है। सो दिस इज हाउ इट लुक्स। अमेजिंग पैकेजिंग बहुत अच्छी है। इफ़ यू लुक एट द आउटर पैकेजिंग जो मुझे रिसीव हुई है, दिस इज वेरी नाइस कलर कॉम्बिनेशन एंड एवरीथिंग। आई लाइक इट वेरी मच। तो इस टाइप का पैकेजिंग किया हुआ है विच लुक्स अट्रैक्टिव। और ये विजिबल वाइट, आपको पता है विजिबल वाइट कोलगेट की रेंज है जो कि आपकी टीथ को वाइट करने के लिए फेमस है, मतलब उसी के लिए वो रेंज है। बट ये जो है उसका एडवांस वर्जन है, यू कैन से कि ये एडवांस वर्जन है, बिकॉज इसमें ऑक्सीजनेटेड वाइटनिंग वाली टेक्नोलॉजी है। इसमें एक्टिव ऑक्सीजन है जो कि आपकी टीथ की जो वाइटनिंग है उसको फास्टन करते हैं। अब इसके बारे में बात करते हूँ मैं कैसे करते हैं। तो ये जो टूथपेस्ट है इसको आपको रेगुलर यूज़ करना है, जैसे आप यूज़ करते हैं अपने टूथपेस्ट वैसे ही यूज़ करना है। सुबह और नाइट में दो टाइम आपको यूज़ करना है। एंड इसमें एक्टिव ऑक्सीजन है विच विल मेक योर टीथ वाइटर इन जस्ट 3 डेज, ऐसा ये लोग क्लेम करते हैं। एंड ऑल्सो आई फील लाइक कि कुछ काम करता है बिकॉज आई ऑल्सो स्टार्टेड यूजिंग एज आई रिसीव दिस। इस पेस्ट का टेस्ट भी बहुत अच्छा है, इट फील्स लाइक बहुत ही रिफ्रेशिंग ब्रश करने के बाद में। एंड सुबह और नाइट में दो टाइम अगर आप यूज़ करते हैं तो आपके दांत जो है वो 3 दिन में वाइट हो जाते हैं। जो कॉफ़ी की टी की स्टेन्स होती हैं, छोटी मोटी जो स्टेन्स होती हैं ना, जो हल्की फुल्की वाली, वो आपकी रिमूव हो जाती हैं। यू शुड ट्राई दिस वंस। तो इसमें मेरे पास एक और वेरियंट है विच इज़ ए, इसको मैं दिखा देती हूँ कि इसका है कैसा अंदर से पेस्ट। दिस इज वाइट कलर का ही पेस्ट है, इस टाइप का, होप यू कैन सी। तो ये पेस्ट जो है वो नॉर्मल पेस्ट है, बट ये इसकी जो रिफ्रेशिंग पावर है ना बहुत अच्छी है, बहुत रिफ्रेश्ड फील होता है इससे ब्रश करने के बाद में। ब्रशेस के बारे में नेक्स्ट बात कर लेती हूँ। दीज आर डैम गुड ब्रशेस यार, इतनी सॉफ्ट ब्रशेस है इसकी, इतनी अच्छी है ये, येट बहुत डेंस है। तो ये आपको क्लीनिंग में बहुत ईजी हो जाता है। बहुत सॉफ्ट ब्रश है इसका, मतलब ये जो ब्रिसल्स है ना बहुत सॉफ्ट है। सेंसिटिव वाले टीथ जो होते हैं, जो सेंसिटिव टीथ होते हैं उसके लिए भी ये बहुत अच्छा है। क्लीनिंग भी बहुत अच्छे से करता है बट सॉफ्ट भी है एट द सेम टाइम। तो इसके बीच में यू गेट अ डेंसर वाला, तो इस टाइप का, एंड किनारे किनारे पे यू गेट वेरी सॉफ्ट ब्रिसल्स। तो दिस इज़ वेरी नाइस। आई हैव 2 कलर वेरिएंट हियर, तो इस टाइप का है। एंड दिस इज टोटल रबर का विच इज़ वेरी ईजी टू, मतलब इसका ग्रिप जो है ना दैट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, मतलब बहुत अच्छे से आप ग्रिप बना सकते हो। एंड इट फील्स वेरी कॉम्फी टू यूज़ इस तरीके से। तो मुझे तो ये ब्रशेस बहुत अच्छे लगे। ऑल्दो कि ये आपको लग रहा होगा कि बहुत छोटी हैं ये ब्रशेस, मतलब बहुत ही छोटी है, बट इट मेक श्योर कि आपकी हर कोने कोने की जो तित है वो आराम से साफ हुई है, बिकॉज ये छोटी इन साइज है। बट आप इसकी फ्लेक्सिबिलिटी देखो, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। तो दीज टू आर वेरी गुड। एंड ऑल्सो दीज पेस्ट आर वन ऑफ द बेस्ट पेस्ट जो कोलगेट में अभी तक है। सो दैट वॉज इट फ्रॉम दिस वीडियो। होप यू गाइज इंजॉयड इट एंड लाइक दिस वीडियो। अगर ऐसा है तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा, थम्स अप कर दीजिए नीचे, एंड ऑल्सो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ में शेयर करिए। इसी तरह के और वीडियोज़ देखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलूंगी मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बाय।